जय हिंद बच्चों, ये चैप्टर 12 है काकी जिसका नाम है, और ये चैप्टर क्लास 7 का है, अर्थात ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 काकी। इसके शब्दार्थ और सुलेख जैसे आप पहले भी कॉपी में करते हैं, इसका भी आपने अपनी अपनी कॉपीज में करना है। तो ये थी कहानी एक बच्चे की जिसकी माँ नहीं है उसके बारे में। बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, और घर के सब लोग उसे घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वो नीचे लेटी हुई है और सब लोग रो रहे हैं उसको विदा करते समय। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूट कर माँ के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया, अर्थात उस बच्चे को अपनी माँ को ले जाते हुए देखकर वो बहुत रो रहा था और उन्हें ले जाने नहीं दे रहा था। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका, एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश में देखने लगा, आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने अब ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका मन एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो ये था पेज नंबर 106। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 107। अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से बोले और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उधर उधर देखने के पास उसने एक स्टूल सरकाकर देखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर उसने तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खुद अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई एक अंधेरे में घर में, उसने डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी बड़े को तो एक किसी से ना कहें तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह भी है कि मोटी रस्सी किससे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के किसी आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जाल जला आए हैं। वे उसे किसी काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। कई बार हम भी किसी टेंशन में होते हैं या कोई बात हमारी पूरी नहीं होती है, या कुछ भी, मतलब घर पे कोई कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ सोच रहे हैं हम अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, तो क्या होता है हमें पूरी रात नींद नहीं आती। तो ऐसे वो रामू भी यही सोच रहा था कि मुझे ये पतंग अपनी माँ तक पहुँचानी है, अपनी काकी तक पहुँचानी है, तो पर मैं इसकी रस्सी के पैसे कहाँ से लाऊँ या मतलब किससे बोलूँ। ये बात सोचते सोचते उसको भी बहुत देर रात तक नींद नहीं आ रही थी।
तो पहले ही दिन उसकी तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोर्ट से 1 रुपया निकाला। अब पहले उसने 54 निकाली, अब उसने फिर 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया। और देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी सी 2 रस्सियाँ मंगा दो, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 108। दो घंटे के बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और शामू की धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में इसमें मुखबिर हो गया, बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर क्या जेल जाएगा? अच्छा तुम्हें आज अच्छी तरह समझाता हूँ, क्या कर। वे कई तमाचे जड़ दिए, कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर बोला, ये किसने मंगाई हैं? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे कि इसमें पतंग तान कर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। मतलब उनको तो गुस्सा इसलिए आया कि क्यों किसी मतलब उनसे बिना पूछे उनकी जेब से पैसे निकाले। जब लेकिन उन्होंने बच्चे का भाव देखा कि उसने तो उस रस्सी को इसलिए मंगाया था कि वो अगर आसमान में उड़ेगी तो उसकी माँ उस रस्सी के द्वारा नीचे आ जाएगी। तो वो बच्चे की मतलब जब उसने उसके बच्चे का भाव देखा, उसके मन की भावना को पहचाना, तो उसे अपने किए पर बहुत ही दुख हुआ। लेकिन शामू या भोला जिसने भी वो पैसे जेब से निकाले थे वो कार्य तो गलत ही था। अगर उन्हें उसने मांगे थे तो अब उसको दिए ही नहीं। लेकिन किसी भी तरह से आपको अपने पेरेंट्स के किसी भी चीज़ से पैसे खुद से निकालना जो है वो रॉन्ग होता है। तो आपको अगर कभी भी नीड हो तो आप अपने पेरेंट्स से मांग कर अपने पैसों को ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी पर्स या जेब में से निकालने नहीं चाहिए। तो ये था लेसन काकी। अब हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ। शयन सोना, उपद्रव उत्पात, माया ममत्व, रुद्र रोना, अनमने अनिच्छा से, उग्र क्रोधित, तरकीब उपाय, रहस्य राज, विलाप रोना, मुखबिर खबर देने वाला, कोहराम रोना पीटना, उत्कंठित आतुर। तो अब इसने शब्दार्थ और सुलेख आपको अपनी कॉपीज में करना है। और आप ये देख रहे हैं बेटा, नीचे मौखिक शब्द भी दिए हुए हैं, इन शब्दों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और उनकी श्रुतलेख अपने घर में किसी भी बड़े से आपको ये श्रुतलेख कॉपी में लेकर चेक भी करवानी है, ताकि ये नहीं कि खुद ही देख कर लिख लो। तो आप अपने बड़ों में, किसी भी घर में बड़ा भाई है, दीदी है, मम्मी पापा, दादा दादी, कोई भी है, किसी भी बड़े से बोलना है कि आपको वो शब्दों की श्रुतलेख बोले, जिससे कि आपके सही जो भी स्पेलिंग्स की रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखते हैं आप लोग, जो भी मात्राओं में गलतियां करते हैं वो ना हो। तो अब फिर से मैं एक बार आपको ये बोल रही हूँ कि इसका PDF साथ में भेजूँगी, उसको आपने PDF को अच्छे से, लेसन को अच्छे से पढ़ना है और उसके शब्दार्थ और सुलेख कॉपी में करने हैं। गुड डे, धन्यवाद।